दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तक का। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में एक ओर जहां अतिथि शिक्षक स्कूलों पर अपनी नियुक्ति का ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ने जो घोषणाएं की थी उसके पूरा करवाने को लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्रदेश के 55 जिलों के अतिथि शिक्षकों ने जिला के कलेक्टरों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अल्टीमेटम दिया है। और यह अल्टीमेटम कोई मामूली अल्टीमेटम नहीं है। अतिथि शिक्षक संघ मजदूर संघ से संबद्ध मान्यता प्राप्त संगठन ने हजारों की संख्या में सभी जिलों में प्रदर्शन किया। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जो 10 सूत्री मांगे हैं वह आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। आखिर किन मांगों को सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है, जबकि ये 16-17 सालों से जानकारी बताएंगे। कल का भीड़ का वीडियो आपने देखा, पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के अतिथि शिक्षकों ने अपने भविष्य को निर्धारित करने प्रदेश की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, और यहाँ पर उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को आपको देखना चाहिए। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई अलग अलग जिलों के भारतीय मजदूर संघ संबद्धता प्राप्त अतिथि शिक्षकों का संगठन है और भारी रोष में यह दिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ निकल के सामने आई है अतिथि शिक्षकों की 72,000 इनकी संख्या है। पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा। अब आगामी रणनीति है और उनकी मांगे क्या है इस लेटर में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 तारीख का लेटर जो कलेक्टरों को सभी जिलों में दिया गया, यहाँ पर प्रति में माननीय मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर यह ज्ञापन था। विषय में यहाँ पर है मध्य प्रदेश स्कूल अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के संबंध में द्वारा श्रीमान कलेक्टर अलग अलग जिलों के साथ ही यह इंदौर का लेटर देख रहे हैं, लेकिन मांगे पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की एक ही लेटर पैड पर अंकित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन किया गया है कि प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने हेतु मांग पत्र निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश स्कूल अतिथि शिक्षकों की मुख्य जो मांगे हैं वो 10 सूत्री मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहला मांग है कि महापंचायत में घोषणानुसार विभागीय परीक्षा लेकर कार्य अनुभव का लाभ प्रदान कर 12 महीने का कार्यकाल और 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल यानी नियमितीकरण दिए जाने का आदेश अविलंब जारी किया जाए। जिस प्रकार से नियमितीकरण जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को सेवा फिक्स 62 वर्ष है, उसी तरह अतिथि शिक्षकों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कही थी और उसके आदेश जारी नहीं हुए, अन्याय किया गया, उसी के खिलाफ अतिथि शिक्षक सड़कों पर है। दूसरी जो मांग रखी है 2 सितंबर 2023 भोपाल महापंचायत मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा की महत्वपूर्ण घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में शिक्षक चयन परीक्षा के सभी वर्गों में बोनस अंक प्रदान किया जाए करते हुए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों के समान कार्य अनुभव के बोनस अंक प्रदान कर मेरिट लिस्ट जारी की जाए। यानी शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों की बोनस नंबर देने की बात जो महापंचायत ने की उसके आदेश जारी हो। साथ ही तीसरा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की न्यूनतम अर्हता प्राप्त अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव का लाभ देकर सीधे नियमित किया जाए। यानी जो यहाँ पर न्यूनतम क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया में जो अतिथि शिक्षक आते हैं उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर चौथा बिंदु है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभ अतिथि शिक्षकों नियमित शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य यहाँ पर सुरक्षा लाभ दिया जाता है, वह लाभ अतिथि शिक्षकों को दिया जाए। साथ ही यहाँ पर तत्कालिक मांगे हैं, ऊपर की 4 मांगे प्रमुख मांगे हैं जिनके तहत अतिथि शिक्षक प्रदेश व्यापी आंदोलन पर थे 18 तारीख को और एक साथ अब राजधानी भोपाल में जुटने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवी मांग जो तत्कालिक मांग है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेश का हवाला यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 21/7/2023 के तहत जहाँ अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर किसी भी नियमित शिक्षक भर्ती पदोन्नति और स्थानांतरण से पदस्थापना न की जाए किसी भी रेगुलर शिक्षक की, क्योंकि रेगुलर शिक्षक के आते ही अतिथि शिक्षक को वहाँ से हटना पड़ता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है पूरे साल के लिए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे छठवां है 10 लाख रुपए तक का बीमा ईपीएफ के लिए, आकस्मिक के सीएल वगैरह अर्जित अवकाश सीएल के लिए यहाँ पर कहा गया है। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख पर भुगतान करने के लिए शिक्षा विभाग जो है आदेश जारी करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अविलंब आदेश जारी कराया जाए, यानी इस पर जो पालन ना करे जो अधिकारी निचले स्तर के अधिकारी उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और स्पष्ट आदेश होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आठवीं में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा
विवाद वर्तमान में चल रहे हैं। उच्च पद जो प्रभार है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, उनके अतिथि शिक्षकों को पूर्व समय से अतिथि शिक्षक सेवा से पृथक किए गए, अतिथि शिक्षकों को अन्य स्कूलों में कार्य अनुभव का लाभ कर नियोजन उनकी काउंसलिंग कर दी जाए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे नवमी में कि 2024-25 से तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण में निगत सत्र के पूर्व से तैयार पैनल के आवेदन की जानकारी जिपेंस पोर्टल में नियत समय पर दर्ज किया जाना, किंतु संस्था द्वारा जो है योग अभ्यर्थियों को दरकिनार किया गया। आपने देखा हो कहीं पर रजिस्टर के माध्यम से पारदर्शिता लाना अतिथि शिक्षकों के हित में होगा, संबंध में आदेश पारित कर जारी किया जाए। यहाँ पर 30% का भी यहाँ पर रखा गया है, जिनका 30% है नियमों की शिथिलता लाए तो यहाँ पर 16 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक नीचे बताया हुआ है, और सरकारी स्कूलों में सेवा देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए हैं, उत्कृष्ट परिणाम देने का कार्य किए हैं, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सुरक्षित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आशा है कि हमारी प्रमुख मांग का विचार करते हुए सभी के साथ न्याय किया जाएगा। अलग अलग जिलों में यहाँ पर देख सकते हैं पावती ही आप देख रहे हैं, जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन इसको शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।